सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें उस सुर्खियों के वाल। ड्यूटी दौरान शहीद होने वाले तीन भारतीय शांति रक्षकों को यूएन ने किया सन्मानित। सेवा ते कर्तव्य की सर्वोच्च कुर्बानी लिए वकारी तमगे नाल किया गया सन्मान। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने ऐलानिया दसवीं जमात का नतीजा। कुड़िया ने मारी बाजी। गगनदीप कौर ने प्राप्त किए 100% अंक। कूनो नेशनल पार्क चीतियां की मौत का सिलसिला जारी। दो होर चीतियां ने तोड़िया दम। चीतियां की मौत से बनिया रहस्। संयुक्त राष्ट्र विच भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पिछले साल ड्यूटी दौरान सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले तीन भारतीय शांति रक्षकों को मिले सम्मान डैग हेमर स्कॉल्ड मैडल प्राप्त किया। यह तमगा उन्होंने संयुक्त राष्ट्रीय शांति रक्षकों को दिता जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण साहस कर्तव्य प्रति समर्पण से शांति लिए कुर्बानी देकर खुद की एक वक्री पछाण बनाई है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र तहत सेवा करते हुए अपनी जान गवाने वाले तीन भारतीय शांति रक्षक उन्हें 103 फौजियां पुलिस के गैर फौजियों में शामिल ने जिन्हों मरण उपरंत उन्हों की सेवा ते कर्तव्य की सर्वोच्च कुर्बानी लिए एक वकारी तमगे नाल सम्मानित किया गया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दसवीं श्रेणी की अकादमिक साल 2022-23 की सालाना प्रीख्या का नतीजा बोर्ड के मुख दफ्तर विखे सिक्ख्या बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वरिंदर भाटिया वालों ऐलान दिया गया। इस विच गगनदीप कौर ने 100% अंक प्राप्त करके सूबे भर विचों पहला स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के कूनो नैशनल पार्क विच भारत विच जन्मे चीते दे दो होर बच्चियां दी मौत ने प्रोजेक्ट चीता नूं एक झटका दित्ता जो कि देश विच चीतियां नूं दुबारा वसाउण दी योजना। इस तों बाद KNP विच मरन वाले चीते दे बच्चियां दी गिनती 3 हो गई है। 23 मई नूं भी पार्क विच एक बच्चे की मौत हो गई सी। दस्या जा रहा है कि उसे दिन ही दोपहर नूं दो होर बच्चियां दी मौत हो गई सी पर उन्हां दी मौत दी सूचना अगले दिन दित्ती गई। हालांकि इन्हां दोवें बच्चियां दी इक्को दिन मौत होण दी जानकारी ना देण पिछे दे कारण दा खुलासा नहीं किया गया। सिर्फ इन्ना ही पता लगे कि चीते दे बच्चे गंभीर रूप विच डीहाइड्रेटेड पाए गए सन ते इलाज दे बावजूद उन्हां नूं बचाया नहीं जा सकिया। पंजाब सरकार वालों विकास कार्यों ते होर प्रोजेक्टां नूं फुल प्रूफ तरीके नाल शुरू ते पूरा कराउण लई सारे जिलियां च डिवेलपमेंट प्लान बनाउण दा फैसला किया गया। योजना मुख्यमंत्री भगवंत मान दे निर्देश ते बनाई गई है। इस योजना तहत प्लैनिंग डिपार्टमेंट वालों संबंधित विभागों तों रिपोर्ट मंगी गई है जिन्हां विभागों नूं उन्हां वालों मौजूदा वित्तीय साल दौरान करवाए जाण वाले विकास कार्यों की डिटेल डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट प्लान च शामिल करके भेजण दे लई बोलिया गया। इस दे आधार ते फंड रिलीज करन दी मंजूरी दिती जावेगी ताकि विकास कार्यां जां होर प्रोजेक्टां नूं शुरू जां पूरा करन च कोई समस्या ना होवे। अठाई मई नूं नवें संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। इस मौके नूं यादगार बनाउण लई केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वड्डा फैसला किया। वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि नवें संसद भवन के उद्घाटन नूं यादगार बनाउण लई 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्के ते नवें संसद भवन की तस्वीर ते उसका नाम लिखा होगा। नवें संसद भवन का उद्घाटन 28 मई नूं प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जारी किए गए नोटिफिकेशन मुताबिक 75 रुपए का सिक्का गोल आकार विच होगा। सिक्के का घेरा 44 किलोमीटर ते किनारियां ते 200 सेरेशन होवेगा। 75 रुपए का यह स्मारक सिक्का चार धातुओं को मिला के बनाया जाएगा जिस विच 50% चांदी 40% तांबा 5% निकल ते 5% जिंक का इस्तेमाल किया जाएगा। ते नाल ही नवे संसद भवन की तस्वीर के हेठा 2023 भी लिखा होगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नवे पासपोर्ट लिए एनओसी की मांग नूं लैके रोज एवन्यू कोर्ट च सुनवाई होगी। इस मामले विच शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी नूं अदालत की तरफों जवाब दाखिल करने लिए कहा गया सी। स्वामी ने राहुल गांधी नूं एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्हां दा कहना है कि राहुल अक्सर विदेश जाते हैं तो उन्हां दे बाहर जाण नाल उन्हां खिलाफ चल रहे मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हां दा मौलिक अधिकार है पर स्वामी नूं जवाब दायर करने लिए समा दिता गया। एसीएमएम मेहता ने कहा है कि दिसंबर 2015 विच राहुल गांधी नूं जमानत देंदे हुए अदालत ने उन्हां दी यात्रा ते पाबंदी नहीं लाई सी। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि अदालत ने उदों राहुल गांधी के दौरे ते पाबंदी लगाउण दी स्वामी दी बेनती नूं रद्द कर दिता सी। ये भी दस दिए कि राहुल गांधी ने संसद छड्डन तों बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिता सी। ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स च पुलिस बल ने पुष्टि की है कि 13 साल के दो स्कूली बच्चों ने सिडनी विच एक बहुमंजिला इमारत च लगी भयानक अग के संबंध च खुद नूं पुलिस के हवाले किया। पुलिस फोर्स के कार्यकारी सहायक कमिश्नर पाल डनस्टन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असी नौजवानों के एक समूह दी रिपोर्टों तो जाणू हाँ जिन्हों तुरंत बाद अग वाली थान तो भजदे देखा गया सी। रिपोर्ट मुताबिक डनस्टन ने दसिया कि 2-13 साल के लड़कियां ने देर रात दो वख-वख पुलिस स्टेशन आत्म समर्पण किया है। हुण पुछगिछ विच पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने नौजवानों अपने मापिया नाल अगे आने लई कहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर च एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। इतने कल्याणपुर की रहने वाली एक 100 साल बुजुर्ग औरत से रंगदारी मंगने के दोष FIR दर्ज हुई है। बुजुर्ग औरत से जमीन विवाद च 10 लाख रुपए रंगदारी मंगने का दोष लगे। पुलिस कार्रवाई तो परेशान बुजुर्ग औरत ने कमिश्नर तो इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने शिकायत सुन के पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड भी हैरान रह गए। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए ने। रिपोर्ट अनुसार 100 साल की चंद्रकली कल्याणपुर के मिर्जापुर नवी बस्ती की रहने वाली है। उन्हों का कुछ दिनों तो जमीन लैके विवाद चल रहा है। विवाद वधन से मामला कल्याणपुर पुलिस को पहुंचे। पुलिस ने चंद्रकली ते उन्होंने रिश्तेदार कृष्ण मुरारी समेत होर लोगों से रंगदारी समेत होर धराव मामला दर्ज कर लिया। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सलाहकार भारतेंद्र सिंह चाहल दीआं मुसीबतां घट हुंदीआं नज़र नहीं आ रहीआं ने। विजिलेंस वल्लों चल रही जांच संबंधी चाहल ने अदालत च अगाऊं जमानत की अर्जी दाखिल की सी ते इस ते सुनवाई करदिआं अडिशनल सैशन जज मनीष अरोड़ा की अदालत ने चाहल की अर्जी नूं खारिज कर दिता है। विजिलेंस वल्लों भारतेंद्र सिंह चाहल दीआं वख-वख जायदादां बारे पिछले साल नवंबर महीने जांच शुरू की गई सी। स्कूलों च दाखले लिए बनाए गए नियमों के उल्ट जाके ज्यादा विद्यार्थी दाखिल करने वाले निजी स्कूलों ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की तिखी नज़र। यही कारण है कि बोर्ड ने अजिहे स्कूलों नूं पत्र जारी करके दो टुक च कह दिता है कि भविख च स्कूल च बिना बुनियादी ढांचे ते शर्तां पूरियां कीते ज्यादा दाखिल किए गए विद्यार्थियों के दाखले नूं खारिज कर दिता जाएगा ते स्कूल खिलाफ भी बनदी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने पिछले कुछ मामलों नूं लैके मानता प्राप्त एसोसिएट संस्थावां वल्लों नियमों की उलंघना नूं गंभीरता नाल लैंदे होए नियमों की पालना करन दे सख निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार वालों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाल जुड़े पंजाब भर के 38,12,525 राशन कार्डधारी परिवारों के मैंबरों 3 महीनों तो लैके 30 जून तक की मुफ्त कणक वंडन लिए एलोकेशन का मुकाम मुकम्मल कर लिया गया है। योजना मुताबिक राशन कार्ड च दर्ज हर मैंबर 5 किलो प्रति महीने के हिसाब न 3 महीनों की 15 किलो कणक सरकार वालों बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इतने इस गल का जिक्र करना जरूरी होगा कि नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना तहत राशन कार्ड धारकों मिलन वाले अनाज के बदले 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब न कणक का लाभ दिता जाता सी। पर हुण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत केंद्र सरकार वालों हर लाभपात्र कणक बिल्कुल मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है। पर डिपू होल्डर एसोसीएशन वालों अनाज वंड प्रणाली का बाइकाट करन संबंधी दी गई चेतावनी तो बाद योजना से संकट के बदल मंडराउण लगे।
गुरदासपुर पुलिस वालों शहर विच फ्लैग मार्च कढ़िया गया। इस संबंधी जानकारी देंदे आ डीएसपी रितु बान ने दस्सिया है कि शहर च लोकां नूं जागरूक करन लई फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है ते पुलिस दा कहना है कि जेकर तुहानूं कोई भी शक्की व्यक्ति शक्की चीज नजर आउंदी है तो तुरंत अपने नेड़े दे पुलिस स्टेशन नूं सूचित करो। सिविल हस्पताल गुरदासपुर विच पर्ची कटाउण नूं लै के विवाद खड़ा हो गया जिथे एक महिला वालों एक व्यक्ति दे थप्पड़ लगाए गए। उक्त व्यक्ति एक फौज का जवान है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया सिविल हस्पताल के ड्राइवर वालों दस्सिया गया कि वह अंदर बैठे सी ते बाहर काफ़ी ज़्यादा रौला पै रहा है। जो उन्होंने जाके पता किया तो एक औरत किसी व्यक्ति नाल झगड़ा कर रही थी। जो उन्होंने झगड़े की वजह जानने की कोशिश की तो जिस व्यक्ति नाल औरत झगड़ा कर रही थी वह व्यक्ति पर्ची कटाउण लई लाइन में लग्या सी ते उक्त महिला उसनू क्रॉस करके उसके अगले पासे पर्ची कटाउण लई खड़ी हो गई। जो उस व्यक्ति ने महिला नूं कहा कि अपनी लाइन में खड़े रहो तो महिला ने उस नाल झगड़ा करना शुरू कर दिता तो उस व्यक्ति दे थप्पड़ जड़ दिते। मिनी ओलंपिक वजो जानिया जांदियां किला रायपुर दियां खेडां दी शान ते पंजाब दी रवायती खेड हुण मुड़ देखण नूं मिली है। सुप्रीम कोर्ट दी पाबंदी दे चलदियां 13 साल मगरों सूबे अंदर पहली बार बैलगड्डियां दियां दौड़ां पायल दे पिंड धौल माजरा विखे करवाईआं गईआं। इत्थे सूबे भर तों 100 दे करीब बैल दौड़ाक पहुंचे ते इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट च इस केस की पैरवी करन वाले वकील नूं सन्मानित भी किया गया। वकील ने दस्सिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट च तर्क रखिया कि इस तरह दियां खेडां हरेक सूबे दियां रवायती खेडां हुंदियां ने ते सदियां तो चलदियां आ रही। इन्हां दे नाल कई तरह दियां परंपरावां जुड़ियां ने। मालवा दुआबा बैल दौड़ाक कमेटी पंजाब दे प्रधान निर्मल सिंह निम्मा ने दस्सिया कि करीब 13 साल मगरों इन्हां खेडां दी रौनक मुड़ पंजाब अंदर परत गई है। बीबी कौला जी भलाई केंद्र अमृतसर वालों चलाए जा रहे बीबी कौला जी चैरिटेबल हस्पताल विखे मरीजों की चंगी सेहत लई सिटी स्कैन MRI मशीनां जल्द ही लगाईआं जाणगीआं। बीबी कौला जी चैरिटेबल हस्पताल के मैनेजिंग डायरैक्टर भाई हरविंदर पाल सिंह लिटरवीज ने दस्सिया है कि चेयरमैन भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह के सहयोग नाल जुलाई महीने की लास्ट के विच सिटी स्कैन MRI के टैसट घट रेटा विच कीते जाणगे। सात संगत जी, बीबी कौला जी चैरिटेबल होस्पिटल महापुरश भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी होर वालों जो 16-17 सालों तो संगत की सेवा कर रहे हैं। संगत की बड़े लंबे सर तो मंग सी कि इस अस्पताल जिते बाकी सारे इलाज होंगे ने MRI तो सिटी स्कैन दियाँ सेवावान नहीं मिल रही, क्योंकि बार MRI सिटी स्कैन के रेट काफ़ी ज़्यादा ने। जिहड़ा मिडल क्लास या लेबर क्लास तबका है वो कराउन तो असमर्थ हो जाता है। जिहड़ियां चीज़ां दे सानू कई संगियां दे फोन आते सी शोरूम ने जिन्हां दे उन्हां दे 15 बंदे काम करते हैं वो कहिंदे भाजी मुंडे दा अल्ट्रासाउंड MRI कराना है। असीं कहिंदे जी उह साडे कोल हैगा नहीं, बाहर कराउंदे नूं कहिंदे जी उत्थे 12,000 रुपया मंग रहे हैं ते ना मालक करा पाउंदा ना जिहड़ी 15,000 तनखाह है वह बेचारा भी नहीं करवा पाउंदा। तो महापुरखां दा फुरना है कि तुहाडे इस चल रहे हस्पताल दे विच MRI ते सिटी स्कैन जिहड़ा बाहर 5-7,000 तो शुरू होकर क्योंकि ये कई टाइप होंगे ने 21-22,000 तक लोग लेंदे है तो वह महापुरखों का उपराला भी इतने 2-3,000 दे विच वो MRI ते सिटी स्कैन की सेवा संगत दी विच दित्ती जाएगी। तो उम्मीद है जुलाई अखीर तक ये जी MRI दियां सेवावां संगतां विच हाजिर होणगीआं। अज इस संबंधी दे विच मीटिंग रखी गई सी जिहदे विच जिहड़े रहिंदे बाकी दे कारज ने, क्योंकि मशीनां जर्मन तों आणीआं है, बाकी दे कारजां नूं किवें निपरे चाढ़िया जा सके उहदे बारे विचार कीता गया। संगत असीस देणा तां कि आपां बड़ी जल्दी ये सेवा महापुरखां दा जो फुरना बणिआ असीं सेवा मुकम्मल कर सकीए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सकत्तर जय शाह ने कहा कि एशिया कप के स्थान का फैसला IPL फाइनल तो बाद होने वाली बैठक किया जाएगा जिस विच एशियाई क्रिकेट कौंसल के चोटी के अधिकारी हाजिर होंगे। पाकिस्तान को इस साल एशिया कप की मेजबानी का अधिकार है पर भारतीय क्रिकेट टीम केंद्र सरकार की इजाजत तो बिना गुआंढ़ी देश की यात्रा नहीं कर सकती। अजिहे च पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने एक हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा जिस नाल उन्होंने देश च 4 मैचों का आयोजन हो सकता है ते भारत अपने मैच निरपक्ष स्थान पर खेले।
हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दी वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।